सो वेलकम गाइज जीरो टू मिलियनियर पार्ट 12 में। जैसे कि आपने पार्ट 11 में देखा कि मैंने ढेर सारी सीप खरीदी और इस पार्ट में मैं एक फर्टिलाइजर खरीदूंगा। फर्टिलाइजर भी फार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसे हम अपनी फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों रियल लाइफ में फर्टिलाइजर एकदम इम्पोर्टेंट चीज है फार्मिंग के लिए जिसे हम मल खाद कह के समझते हैं। और दोस्तों फर्टिलाइजर लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। तो मैं अपने स्टोर पर चले जाता हूँ और देखना चाहता हूँ कि फर्टिलाइजर का क्या प्राइस है कह के, और वहाँ मुझे फर्टिलाइजर का प्राइस 35,000 रुपए दिखते हैं और वो भी सबसे सस्ते और सबसे छोटे वाले के, जो कि एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है। और मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपए होते हैं, इसलिए मैं लग जाता हूँ फटाफट फार्मिंग के लिए। अब इसे भरते ट्राले में उतार लेता हूँ और मैं इधर घास काटने लग जाता हूँ, क्योंकि ढेर सारी सीप खरीदने के बाद सब घास खत्म हो जाता है। और स्टोर के पीछे इस वाला जगह पे हम बिना किसी डॉक्टर के घास काट सकते हैं। आप में से किस किस को ये बात पता था कमेंट करके जरूर बताना। और घास काटने के चला जाता हूं मैं लोडिंग वेहिकल लेने के लिए, और जब तक मैं लोडिंग वेहिकल लेके आता हूं आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो बनाने के लिए। यहां पर आते ही लोडिंग वेहिकल ऑन कर लेता हूं और घास उठाना शुरू कर देता हूं। और लोडिंग वैगन भरते ही मैं सिर्फ फार्म की तरफ निकल जाता हूं। और जब तक मैं जा रहा हूं आप मेरे फेसबुक के ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जहां पर 7,000 से भी ज्यादा वर्ल्ड वाइड प्लेयर हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इधर हार्वेस्टर भरने लग जाता है, इसलिए मैं ट्राली लेकर आ जाता हूं और ट्राली में भर के साइड लगा देता हूं। इसी तरफ यहां पर कल्टीवेटर पे देखने लग जाता हूं और अंदर का व्यू से खेलने में मजा आता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल असली कल्टीवेटर जैसा लगता है। इधर हार्वेस्टर भरते ही मैं ट्राली लेकर आ जाता हूं और भर लेता हूं, और भर के ट्राली को साइड में लगा देता हूं। नाला का प्राइस लो होता है इसलिए मैं इसे नहीं बेचता हूं और स्टॉक वगैरह रख लेता हूं। हार्वेस्टर के भरते ही मैं ट्राली लेके आ जाता हूँ और ट्राली में भर लेता हूँ। कोनाला का प्राइस ऊपर जाता है इसलिए मैं जगह को टैग कर लेता हूँ और गाड़ी लेके निकल जाता हूँ। और यहाँ पर मैं आधा से भी ज्यादा ट्राली कोनाला का लेके निकल जाता हूँ बेचने के लिए, और एंड टाइम पर इसका प्राइस चेंज होता है, इसलिए मैं दूसरी जगह बेचने के लिए निकल जाता हूँ। और आप भी दोस्तों बेचने से पहले एक बार प्राइस हमेशा चेक कर लें। और यहाँ पर मुझे मिलते हैं कोनाला बेच के 23,276 रुपए, और कुल मिला के मेरे पास हो जाते हैं 24,000 रुपए। मुझे अभी और पैसे चाहिए क्योंकि जो मेरे फर्टिलाइजर देखा हुआ है उसका प्राइस है 35,000 रुपए, मुझे 10,000 रुपए और चाहिए, इसीलिए मैं सीप फार्म की तरफ निकल जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर उस प्रोडक्शन हुआ होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे सीप खरीदे थे वहाँ पे और टाइम टू टाइम वाटर एंड ग्रास भी पहुँचाए थे। यहाँ पर वूल का प्राइस ऊपर जा रहा होता है इसलिए मैं इसे अभी नहीं बेचता हूँ और थोड़ी देर रुक जाता। और यहाँ पर बारिश शुरू हो जाता है इसलिए कल्टीवेटर तो चलते रहता है पर हार्वेस्टर बंद हो जाता है। और इधर जैसे ही वूल का प्राइस मैक्सिमम होता है मैं ट्रैक्टर वूल के जोड़ लेता हूँ और बेचने के लिए निकल जाता हूँ। और जब तक मैं जा रहा हूँ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे फेसबुक के ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर ऊन बेच के मुझे मिलते हैं 11,541 रुपए, वूल बेच के मेरे पास हो जाते हैं 35,000 रुपए, और मैं बचा कुचा वूल भी लेने के लिए चला जाता हूँ। लो मैं कुछ ही देर में आप फार्म में पहुँच जाऊंगा, लो मैं पहुँच गया। और फार्म पहुँचते ही बच्चे को वूल में लोड कर लेता हूँ और उसे भी बेचने के लिए निकल जाता हूँ। और दोस्तों आपको जीरो टू मिलियनेयर का सीरीज कैसा लग रहा है वो भी आप कमेंट करना, और इसका जितने भी बाकी पार्ट है वो भी देख लेना। और मैं ये बेचने की जगह में पहुँच जाता हूँ और 3,909 रुपए का वूल बेच लेता हूँ, और मैं सिर्फ फार्म की तरफ निकल जाता हूँ ट्रैली रखने के लिए। बारिश अभी भी हो रहा होता है इसलिए मैं आराम से गाड़ी चला के चला जाता हूँ सिर्फ फार्म की तरफ। और मैं जैसे ही सिर्फ फार्म पहुंचता हूँ वहाँ पर ट्रॉली रख देता हूँ और मैं स्टोर की तरफ निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब पैसे हो चुके हैं फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, इसलिए मैं फटाफट स्टोर की तरफ निकल जाता हूँ। और दोस्तों मैं स्टोर में पहुंचने के बाद फटाफट से फर्टिलाइजर खरीद लेता हूँ 35,000 रुपए में, और ट्रैक्टर में जोड़ लेता हूँ। आप भी देख सकते हैं ऐसा दिखता है ये फर्टिलाइजर। उसके बाद मैं इसे फिर से ट्रैक्टर में जोड़ लेता हूँ और अपने फार्म की तरफ निकल जाता हूँ। फर्टिलाइजर में लिक्विड वाला फर्टिलाइजर चाहिए इसलिए मैं लिक्विड की स्टेशन के नीचे आ जाता हूँ और फर्टिलाइजर भरवा लेता हूँ, जहाँ पर मुझे फर्टिलाइजर भराने का लगता है 2,640 रुपए। उसके बाद दोस्तों मैं खेत पे जाके फर्टिलाइजर ऑन कर देता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दिखने में तो ये बहुत चौड़ा है दोस्तों, ये फोल्ड हुआ हुआ लोहे का होता है जो मशीन ऑन करते ही ऑन हो जाता है और खुल जाता है, और वहाँ से स्प्रे होने लगता है पानी का, जो पानी नहीं कि ये है फर्टिलाइजर है। और इससे क्या होता है कि फसल जल्दी उगेगी और ज्यादा उगेगी। और ये छोटे वाले खेत में एक हार्वेस्टर ही भरता है। अब देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना होता है, और मैप में भी जाके मैं यहाँ का सोइल फर्टिलिटी देख लेता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और आप यहाँ दो नंबर खेत पे देख ही सकते हैं ये जो ब्लू ब्लू हुआ है वो फर्टिलाइज हुआ भाग है जितना हमने अभी फर्टिलाइज किया हुआ है। और दोस्तों फर्टिलाइजर खरीदते हैं ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।